जहाँ सीट मिलती है वहाँ पे कुछ कपल्स बैठे हुए, कुछ फैमिली मेंबर्स बैठे हुए नहीं बता सकते भाई ज़्यादा। तो मस्त इधर पढ़ाई लिखाई चल रही है, इधर ब्लॉग चल रहा है, समझ रहे हो, ज़्यादा दूर ना देखो। तो भाई आधे ज़्यादा लोग तो इसमें जो रील बनाते हैं ना उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी वहाँ पे भाई 3-4-5 लोग हैं जो कि कच्चा बादाम वाला रील बनाने ना लोग। तो एक बार करो जरा कच्चा बादाम रील बना भैया। ये ड्रैगन मोमोज, इसकी भैंस की आँख, ये मोमोज लग रहा है, थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा लग रही है, ड्राइनेस नहीं होती है भाई, मेयोनीज देते हैं। और भाई ये बीन्स वगैरह पड़ी है क्या? चलो भैया टेस्ट करते हैं। सो गाइस अभी हम लोग हैं भाई, पीछे लोकेशन देख रहे हो ना आप लोग, जानी पहचानी लग रही है लिटरली। भाई मैं यहाँ पे आज 1 साल बाद आया हूँ। अभी हैं भाई हम जनेश्वर मिश पार्क में, काफ़ी दिनों बाद व्लॉग आ रहा है भाई, कुछ प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, बट कोशिश करेंगे कि व्लॉग जल्दी जल्दी आते रहें। अभी हम लोग हैं भाई जनेश्वर मिश पार्क में, और वेलकम नहीं किया था, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग ऑफ भारती कैमरा। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे एक शूट करने वाले हैं जो हमारी नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म नहीं है, ये हमारी एक वेब सीरीज़ आने वाली है यूट्यूब पे, जिसका नाम है टॉप कोचिंग फेलियर। अभी उसका फर्स्ट और सेकंड एपिसोड जो है वो शूट हो चुका है, थर्ड एपिसोड का एक सीन है वो हम लोग जनेश्वर मिश पार्क में शूट करने वाले हैं यहीं पर। सबसे बड़ा टास्क होता है भाई जनेश्वर मिश पार्क में, ये होता है कि भाई मतलब कैमरा जब आपको इंटर करना होता है, मतलब कैमरा से पार्क के अंदर लेके आना होता है, तो भाई 100 से 150 रुपये आपको पे करने होते हैं, और अगर आप कपल हैं तो शायद आपका बैग नहीं चेक होगा तो मतलब आप आ सकते हो अंदर। तो वैसा ही कुछ हम लोग किए, फिर हम और कृष्णा भी चले आए, फिर रोहित फंसा, अमन फंसे, और भाई एक भाई आया नया साथ में वो भी फंस गया। तो वो लोग आए टिकट विकट ले करके झाड़ियों में, तो भाई देखना भी नहीं, भूल से भी काम चल रहा है वो साफ सफाई का यहाँ पे। भाई आए होंगे ना जनेश्वर मिश पार्क, इतना पहले बना था एशिया का सबसे बड़ा पार्क, तो भाई काफ़ी ज़्यादा पहले बना हुआ था। हम लोग भटक रहे हैं अभी यहाँ पे, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 लोग। तुम लोगों को भी नहीं रहते हैं हमको भी काउंट करना है, 4 ये भी तो खाली बैठी हुई है ना, ये वाला जो उसमें तुमको वो भी मिल जाएगी, लाइटिंग भी बढ़िया मिल जाएगी, पता है तो अंदर है। आधे घंटे से हम लोग भाई लोकेशन ढूंढ रहे हैं ना, लोकेशन के अंदर लोकेशन ढूंढ रहे हैं, बहुत गंदी लोकेशन है नहीं लोकेशन से गंदी है, नहीं गंदी है भाई, झाड़ू पोछा, झाड़ू लगा पोछा नहीं लगा। और भाई सामने वहाँ पे दिख रहा है भाई, लोकेशन दिख रही है, मतलब गलत ना देखो भाई, थोड़ा स्लो बोल रहे हैं भाई, बिकॉज अरे वो देखो एरिया, समझ रहे हो, सी वहां एक चेयर भी खाली है, देखो वहां कोई बैठा भी नहीं है, अरे तो क्या हो गया, भाग जाएगा जब 10 मिनट में डिस्कस करेंगे तो, चलो भगाएगा, देखो कौन निकालता है वो वाला करो, हम कर चुके हैं एक बार, पकड़ 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 खाली, अरे ट्रेंड है ना भाई ऐसे करो, फिर ये जाके दूसरे के मुक्के पे मारो, फिर क्या टॉफी दो, चॉकलेट दो, हमें पहले कुछ लाइव है नहीं मैं। हाँ भाई 1 घंटे से घूम रहे हैं, ठीक है अब मतलब वीडियो बन रहा है, मतलब 1 घंटे नहीं हुआ, आधे घंटे हो चुके हैं, अभी लोकेशन ढूंढ रहे हैं भाई, जहाँ सीट मिलती है वहाँ पे कुछ कपल्स बैठे हुए, कुछ फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए नहीं बता सकते भाई ज़्यादा, अभी ढूंढ रहे भाई लोकेशन। तो गाइस फाइनली 1 घंटे घूमने के बाद भाई पूरा पार्क हम लोग घूम लिए, फ्लैग के साइड और भाई गेट नंबर 3-2 मतलब सारे साइड हम लोग घूम लिए, फिर हम लोग भाई क्योंकि पार्क में क्या होता है भाई, कहीं कपल्स बैठे हुए हैं उनकी भी कुछ प्राइवेसीज होती हैं, और कहीं पे भाई फैमिली, और कहीं पे भाई कुछ, क्योंकि यहाँ पर है ना कि जनेश्वर पार्क में छोटे बच्चों का भाई खेलने के लिए बना हुआ है, मतलब उनका पूरा ग्राउंड बना हुआ है, तो वहाँ पर तो भाई काफ़ी ज़्यादा शोर रहता है, तो वहाँ पर तो भाई शूट करना इम्पॉसिबल है। अभी हम लोग दूसरे साइड में फ्लैग के थोड़ा सा पहले, और भाई यहाँ पे एकदम समझ लो कि हम लोग एक लोकेशन मिल गई है, क्योंकि जहाँ जहाँ सीटें थी तो वहाँ कहीं कपल्स बैठे हुए हैं, फैमिली बैठी हुई है, तो वहाँ पे शूट नहीं कर सकते, यहाँ पे भाई
एक दो तीन चार पांच सीटें खाली हैं और उस साइड भी पांच सीटें खाली है, तो मतलब इधर कोई भी नहीं है। जो लोग भी हैं वो थोड़ा दूरी दूरी पे हैं, तो अभी भाई हम लोग यहीं पे शूट करेंगे। और भाई चश्मा लगा के आना, हम भी एक दो फोटो खिंचवा लेंगे। तो अभी भाई फटाफट से उधर, अभी सब लोग रियल्स कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दो सीन्स कर लेंगे, उसके बाद हम चलते हैं भाई अपना शॉट लेते हैं, फिर देखते हैं भाई कैसा भी होगा। और भाई अभी आज डेट है भाई 19 फरवरी, और कसम से बता रहे हैं भाई इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी। अभी देखो भाई जून जुलाई मार्च में क्या होता है इस बार। अभी भाई सब लोग एकदम रेडी हो चुके हैं और हम भी भाई एकदम रेडी हो गए, अब चलते हैं भाई फटाफट से शूट कंप्लीट करते हैं, मतलब फर्स्ट सीन निकालते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और भाई धूप देखो कितनी ज़्यादा है, धूप फंस गया रे बाबा तू तो डायलॉग पे। जो एक बार नहीं तो 2000 में, तो तीसरे में हो ही जाएगा। तो भाई सभी लोग एकदम रेडी हो चुके हैं, और भाई कैमरा भी एकदम रेडी और गिम्बल भी एकदम रेडी और उधर सब लोग रेडी। तो भाई अभी हम लोग शूट करते हैं अपना जो सेकंड सीन है, मतलब फर्स्ट सीन है, जो फर्स्ट सीन हो चुका है तो चाय की टपरी भी वगैरह उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे अभी। तो अभी लेट्स सी भाई यहाँ पे अपना शूट ओवर करते हैं, फिर देखते हैं आगे जैसा भी होगा हम आपको बीच में दिखाने की कोशिश करेंगे। और भाई गजब की धूप हो चुकी है, हवा लेकिन अच्छी चल रही है, तो मतलब उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है। हाथ में गिम्बल पकड़े, फोन पकड़े, ठीक है ओके। क्या मतलब था आपके टॉप कोचिंग फेलियर से? सो गाइस फाइनली थकल की धुलत्ती उड़ी पड़ी है ना, तो भाई 2-3 घंटे शूट करने के बाद भाई हमारा एक सीन कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि भाई यहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर का इशू आ रहा था। भाई बैकग्राउंड में पेड़ वगैरह है तो, लेकिन अच्छा सीन अच्छा आया है अभी, मतलब जितना शूट हुआ है वो काफ़ी अच्छा आया हुआ है। तो अभी भाई हम लोगों को एक सीन और करना है, तो फिलहाल अभी हम लोग आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं। और जो अभी बैटरी है वो भाई उस वो वाला कैमरा भी, जो बड़ा वाला कैमरा वो तो अभी हम लोग निकाले नहीं है, तो उसकी बैटरी जो पूरी है अभी सेफ रखी हुई है, इसकी भाई बस लास्ट बची है, रेड ब्लिंक पे नहीं आया, एक पॉइंट बची हुई है। तो मान के चलिए कि आधे घंटे चल जाएगा ये कैमरा, एक घंटे चल जाएगा, मोटा मोटा मान लेते भाई एक घंटे चल जाएगा, और एक घंटे से 2 घंटे का ही शूट है अभी। और भाई अभी टाइम हो चुका है, मतलब 4 बजने वाले हैं, हम लोग मॉर्निंग में भाई लगभग 12 बजे 12:30 बजे के आसपास यहाँ आ चुके थे। तो भाई तब चल मजा आता शूट कर रहे हैं, और भाई पीछे पानी वेस्ट हो रहा है वहाँ पे, और भाई धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है अभी। फरवरी में ये हाल है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में क्या होगा। तो भाई फटाफट से 10-15 मिनट रेस्ट करेंगे हम लोग, उसके आगे शूट कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पे भाई अभी आगे का सीन डिस्कस हो रहा है, मतलब फर्स्ट सीन हम लोग कम्प्लीट कर लिया ना, तो अब यहाँ पे सेकेंड सीन डिस्कस हो रहा है। तो मस्त इधर पढ़ाई लिखाई चल रही है, इधर ब्लॉग चल रहा है, समझ रहे हो, ज़्यादा दूर ना देखो। हाँ मतलब सब लोग बैठे रहते हैं भाई, ऐसे ना देखो। लो भैया पार्ले जी खा लो, क्योंकि छोटा वाला कैमरा जा चुका है, मतलब बैटरी ख़त्म। अब बड़े वाले कैमरे से हम लोग करने वाले हैं शूट, इनकी शादी नहीं हो पा रही भाई, वाला डायलॉग कह रहा कह रहा मेरी शादी में जुलूल जुलूल आना, डायलॉग कह रहा मेरी शादी में जुलूल जुलूल आना। हाँ मेरी शादी में नहीं आना, भैया फटाफट से पार्ले जी खा लो सब लोग, फिर चलो आगे शूट कंटिन्यू करो। याद नहीं होता है, शादी में जरूर आना पार्ट टू की जगह मेरी शादी में चलो, सारे बोल चुके हैं शादी में जरूर जरूर आना। बार बार हर डायलॉग में मेरी शादी में जरूर आना पार्ट टू, शादी में जरूर आना। शूट करते करते भाई देख रहे हो उनके थक गए, थक गए हो का भैया?
ये तो मिल गया मेरी शादी में जरूर है थक गया ये छिल रही है ना भाई ये छिल रही है पूरा नंबर तुम्हारा बताइए मंचली छिल रही ना मंचली नहीं पता चलेगा ऐसे रखे पता चलेगा नहीं चलो भैया थोड़ा बहुत शूट हो गया है इंस्टाग्राम का फोटो आ गया यार तो भाई अभी हम लोग शूट ओवर कर लिए अभी एक सीन बचा हुआ है जो अभी हम लोग लेने वाले हैं थोड़ा कोई दूसरी लोकेशन पे तो फिलहाल अभी बस एकदम मस्त सा भाई जैसा सोचा था वैसा शूट हो चुका है अब भाई हम लोग इधर देखते हैं जैसा भी होने वाला है यहाँ पे शूट फिर से भाई बस आधे घंटे का शॉट और करना है उसकी भैंस की आँख जो का देख लियो तो भाई ये रहा पीछे फ्लैग रील वगैरह में देखा होगा काफ़ी ज़्यादा तो अभी भाई फटाफट से यहाँ पे लगभग लगभग आधे घंटे एक घंटे में शूट ओवर करके हम लोग भाई थोड़ा सा घूम घाम के निकल जाएंगे और अभी मौसम अच्छा हो गया क्योंकि भाई ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है ये है भाई कुछ इसका एरिया गोल्डन गोल्डन आवर हो गया ना हाँ मतलब गोल्डन आवर लग गया तो गोल्डन आवर में फ़ोटोग्राफी करनी चाहिए तो काफ़ी अच्छी आती है ले भाई सिनेमैटिक भी देख लो चलो भैया शूट ओवर करते हैं यहाँ पे और जल्दी आपको हमारी ये शॉर्ट फिल्म नहीं ये वेब सीरीज़ यूट्यूब की देखने को मिल जाएगी चैनल नेम कलाकार विद कैमरा फर्स्ट सेकंड एपिसोड कंप्लीट हो चुका है एडिटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है बस थर्ड शूट स्टार्ट हो चुका है ख़त्म होने वाला है बस इसकी भी एडिटिंग कंप्लीट देन लोड कर दी जाएगी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा तब तक के लिए अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए शेयर नहीं किए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए सो गाइस फाइनली अभी शूट ओवर हो चुका है और भाई देख रहे हो भाई टी शर्ट ब्लैक टी शर्ट बाकी भैया ओवर कहाँ हो गया भैया रहा है तो यार तू कौन से फिल्टर का फोटो मतलब ब्लॉग यार भाई ये काला वाला स्पॉट नहीं दिख रहा तुम्हारा इसमें काफी गोरे लग रहे हैं जोर जोर से बता दो सबको तुम भैया फिल्टर कर रहा है स्नैपचैट से जो पीछे काली काली टी शर्ट पर दिख रहा है ना भाई उसकी खोपड़ी तोड़ना है कोई दिन मिलकर चलो भैया अभी अभी थंबनेल के लिए फोटो भी लेना है पीछे तिरंगा देख रहे हो मस्त लग रहा है भाई और भाई अभी देख रहे हो लाइटनिंग वाइटनिंग एकदम जल चुकी है मस्त और भाई थोड़ा गोरे लग रहे हैं भाई फिल्टर का कमाल है ठीक है लेकिन यू का हुआ भाई चोट लग गई चोट नहीं लग गई भाई चिकन पॉक्स का स्पॉट है तो भाई फाइनली यहाँ का शूट रैप कर चुके हैं हम लोग मतलब सारा ओवर हो गया बस फोटोज़ क्लिक कर लेंगे और भाई बस यहाँ से निकल चलेंगे भाई पहले चल के फिर थोड़ा सा खाएंगे भाई क्योंकि भूख लग चुकी है पार्ले जी हम लोग लेके आए थे चार पैकेट चारों ख़त्म हो चुके हैं दो सीन में यूज़ हुए दो हम लोग खुद खा डाले तो अभी यहाँ पे कैंटीन थी तो वहाँ से हम लोग चिप्स भी खाए और अभी मस्त यहाँ से चलते हैं सो गाइस फाइनली शूट ओवर हो चुका है भाई हम लोगों का फ़ोटोज़ भी क्लिक कर ली पीछे लाइटिंग वगैरह मस्त जल्दी और भाई चश्मा लगा लिए ना फ़ोटो खिंचाने जा रहे थे लेकिन फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही क्योंकि भाई लाइट कम हो चुकी है और भाई पीछे क्या मस्त ग्रीन 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 लग रहा है ना मतलब जबान लड़खड़ा रही है थोड़ा कोल्ड है इसलिए ज़्यादा तेज वॉइस में ये वाला ब्लॉग नहीं किए हैं हम बाकी भाई अभी दो लोग आगे जा रहे हैं एक हम और भाई काली टी शर्ट वाला उधर झूले पर टहल रहा है तंदूरी तो फिर चल जाओ जल्दी से फिर अगर तंदूरी मोमोज खाना है तो पहले हलवा गरम करो उसमें हलवा गरम करो देख रहे हो भाई करिश्मा जहाँ भी आती है ना वहाँ टिफिन लेके चलती है वो भी एक नहीं तीन चार चार टिफिन चारों लोगों के लिए पांचों लोगों के लिए जितने लोग जितने टीम लोग आ रहे हैं ना सबके लिए भाई टिफिन लेके चलती है वो ये मतलब कहते हैं ना कि मतलब अलग अलग एंगल चेंज करते रहना चाहिए कि मतलब कहीं पेड़ से निकल जाओ बीच से कहीं कहीं किसी झाड़ियों के बीच से निकलो तो भाई मतलब वीडियो वायरल होती है ऐसा लोग कहते फिलहाल भाई हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता चल रहा है तो बीच में पेड़ पड़ गया तो फिलहाल अभी बीच में चल रहा था तो पेड़ पड़ गया तो भाई हमारा भी बढ़िया अच्छा वीडियो बन गया सो गाइस अभी आज हम ना पूरा एक महीने बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ
अनकंफर्टेबल फील क्या कर रहा हूँ भाई, मतलब थोड़ा सा कोल्ड भी है ना, थोड़ा तबीयत भी खराब है। बाकी भाई जो भी गैप हुआ हमारे चैनल पे उसको कोई बात नहीं, ब्लॉग एक डेढ़ महीने बाद शूट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरे चैनल पे गैप नहीं आया, सिर्फ तीन वीक का था। 3 वीक पहले मैंने वीडियो डाली थी, उसके बाद वीडियो डाली थी मैंने रिसेंटली कल या परसों में, तो उस वीडियोस पे मेरे ज़्यादा व्यूज़ नहीं गए, लगभग 50 जाए, उससे पहले जाते थे भाई 100 प्लस ही जाते थे हमेशा, हज़ार तो जाते थे, वो तो वायरल होने जाते थे, एक ही तो वीडियो वायरल हुई थी। बाकी भाई अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं, तो कोशिश रहेगी कि भाई मतलब जल्दी जल्दी मैं व्लॉग बनाता रहूं, घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था भाई, तो व्लॉग कैसे बना सकते हैं। तो यदि अगर अभी तक आप व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल भारतीय कैमरा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, अभी आगे मिलते हैं। क्या मस्त लाइट जल रही है भाई, मैं पापा की परी हूँ। निकालने भूल गया ये, तुम बन जा पापा प्लीज। पापा का मगरमच्छ मुझे निकल आई। क्या भाई बैकग्राउंड में एकदम ग्रीन आ रहा है, चुप चुप के भाग रही। बाकी भाई अगर आप अभी तक व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल भारतीय कैमरा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भर के, ठीक। बाकी अगर आप इस टाइम भी देख रहे हो भाई उधर मतलब रील वाले, अरे हाँ सबसे बड़ी बात भाई, अगर आप कहीं जा रहे हो मतलब कोई भी पार्क वगैरह जा रहे हो, अगर उसमें कुछ परमिशन का इशू आता है कि हाँ वहाँ पे आप वीडियो शूट नहीं कर सकते ये, तो भाई आधे से ज़्यादा लोग तो इसमें जो रील बनाते हैं ना उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। तो अभी वहाँ पे भाई 3-4-5 लोग हैं जो कि कच्चा बदम वाला रील बनाने ना, तो भाई इसीलिए मतलब थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि भाई आजकल ना रील का एकदम ट्रेंड भर के चल चुका है। रोहित भी बनाता है भाई, रोहित एक बार करो जरा कच्चा बदम रील बन। भाई इसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा जो गार्ड लोग होते हैं ना वो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बाकी आप लोग जानते हैं भाई लखनऊ में कहीं भी आप शूट कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी भाई यहाँ पर रेड लाइट जल रही है, वाह वाह वाह, इधर ग्रीन जल रही है, वेरी गुड। सो अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं भाई फटाफट से। गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं अमेरिका के घने जंगलों में, और अभी यहाँ पे 3 प्रजाति हमको दिखाई दी, एक पिंक सिटी से है, दूसरा वाइट सिटी से, तीसरा चेक सिटी से, और इधर ब्लू सिटी से। आवाज सुनो, गाइज आवाज सुनो गाइज, अमन कहाँ गया? फाइनली अमन मिल चुका है भाई, पीछे आ रहा है, हमको तो रोना आ गया था, देखो मेरी नाक से आंसू आ गया। सो गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा उधर से चल के अब हम लोग गेट नंबर 1 पे आ चुके हैं, और भाई अभी यहाँ पे हम लोग खाने वाले हैं ड्रैगन मोमोज। भाई रोहित खिला रहा है, इससे पहले हम तो कभी खाए नहीं, सिर्फ 10-90 के मोमोज खाए, बाकी 12-20 के खाए। तंदूरी मोमोज मुझे बेस्ट लगते हैं भाई, फिलहाल आज पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ मैं ड्रैगन मोमोज। दिन में कहाँ रहते हो? खाओगे वह ड्रैगन मोमोज खाओगे? तो आज पहली बार हम लोग ट्राई करने वाले हैं भाई ड्रैगन मोमोज। चलो भैया शनेश्वर मिस पार्क गेट नंबर 1 के जस्ट सामने भाई ड्रैगन मोमोज वाले अंकल जी लगाते हैं। हाँ भाई अब हम देखे नहीं थे ना, मतलब अंकल जी वहाँ पे अंकल जी है, तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं भाई ड्रैगन मोमोज, देखते हैं भाई टेस्ट कैसा होगा, और अगर टेस्ट अच्छा होगा तो ज़रूर बताएंगे हम आपको, कि आप लोग भी आकर के यहाँ खाइए ड्रैगन मोमोज। ये है भाई अंकल जी की ड्रैगन मोमोज वाली शॉप, और ये है भाई अंकल जी का मेनू। ओ मोमो कॉर्नर बेस्ट क्वालिटी। ए भैया मीनू पढ़ लो भैया, एक ही साइड है, दोनों साइड है, इसमें ड्रैगन मोमोज है, पता नहीं भाई ड्रैगन मोमोज कहाँ है, इधर तो नहीं है रे बाबा, इधर है ड्रैगन मोमोज, हाँ इधर है ड्रैगन मोमोज, 3rd नंबर 70 हाफ और 130 फुल।
गाइस फाइनली चाय आ चुकी है, तो भाई पहले चाय पियेंगे फिर खाएंगे ड्रैगन नूडल्स। अरे रुक जाओ, अरे 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 इतनी भी क्या जल्दी थी इतनी भी क्या जल्दी थी इसकी भैंस की आँख ये ठीक के साथ में बोल के खाएंगे। लाओ भाई इधर लाओ भाई लाओ यार भाई 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 इधर इधर लाओ। ओ वाओ भैया ये ड्रैगन मोमोज, इसकी भैंस की आँख, ये मोमोज लग रहा है। वाह वाह वाह, तेरा बंद अभी खत्म नहीं हुआ भाई। ओ भैया ओम फो, दूसरी चाय पी रहे। चलो भैया फाइनली ड्रैगन मोमोज आ चुका है भाई। थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा लग रही है, ड्राइनेस नहीं होती है भाई, मेयोनीज देते हैं। और भाई ये बीन्स वगैरह पड़ी है क्या? जैसा भी है भाई पहले टेस्ट करेंगे फिर बताएंगे भैया खाना है आपको कि नहीं खाना है। बाकी अगर खाना चाहते हैं तो भाई काहे मना थोड़ी करेंगे कि ना ही खाओ, ज़रूरी थोड़ी सबका टेस्ट हमारे जैसा हो, आप लोग आके खा भी सकते हो। जनेश्वर मिस पार्क का गेट नंबर 1, उसके फ्रंट सामने अंकल जी लगाते हैं भाई। अभी नाम बताया ना इससे पहले, वही नेम था, अभी फिलहाल मेरे माइंड से स्किप हो चुका है। चलो भैया मोमोज अभी सब ख़त्म हो जाएगा वीडियोस बनाने के चक्कर में। चलो भैया टेस्ट करते हैं। भैया मेयोनीज हमको कम पसंद है थोड़ा। ओह माय गॉड, देखने में तो यम्मी लग रहा है भाई। मस्त है भाई, पहले खा ले भैया फिर बताए। रुक जाओ ठीक है, रुको रुको रुको, जरा सबर करो। अंकल जी एक ड्रैगन मोमोज पैक कर दीजिए, फुल की हाफ, हाफ अभी जाते हैं हो जाएगा। हाँ कहाँ है? तो भाई अभी हम लोग एक बंद खाने वाले हैं, हम खाने वाले हैं, क्योंकि भाई जो ड्रैगन मोमोज की ग्रेवी थी ना काफ़ी ज़्यादा बच गई है, हमने अपनी फिनिश कर दी, उधर वाली बची है तो इसके साथ वो खाएगा भाई। रे बाबा खा लें तो भैया रिव्यू दे भाई, भाई आधा दे दे रे बाबा, आधा दे दे भाई, आधा दे दे यार, इधर रख दे भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू यार। चलो खा ले भाई, नहीं ख़त्म हो जाएगा ठीक है, रुके रहो, जाना नहीं ठीक है, रुक जाओ रुको, अभी रिव्यू दे रहे हैं ठीक है, पहले खा लें। पहले खाने जा रही थी भैया, इधर देख रहे हो ड्रैगन मोमोज एकदम ख़त्म। ए भैया कोई नज़र ना लगाओ ठीक है, खाने दो हम लोगों को। तो भाई फाइनली हम मैगी भी आ गई, ड्रैगन मोमोज भाई फिनिश हो चुके हैं। थोड़ा सा गर्मी लग रही है ना, ड्रैगन मोमोज खाए ना हम लोग, उड़ के आया था वो भाई। रुको यार अभी सब बता रहे हैं, खाने दो पहले ठीक है, सुबह से कुछ खाए नहीं हम लोग, रिव्यू दे दें। हाँ तो भाई ड्रैगन मोमोज काफ़ी टेस्टी थे, और अगर जो लोग थोड़ा स्पाइसी खाते हैं वो लोग भाई आके खा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी भाई स्पाइसी बनवाया था तो स्पाइसी था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। थोड़ा सा पसीना आ रहा है भाई, वो तो कड़वाहट की वजह से पसीना नहीं आया भाई, वो हम कुछ भी खाते हैं तो पसीना आना ही लगता है। चलो भाई अभी फटाफट से खाते हैं, बाकी भाई 3 प्लेट का 4 प्लेट भी यहाँ पे हो जाता है, अपने हाथ कर लो बस, चाहे 4 कर लो चाहे 5 कर लो। तो भैया फटाफट से उसको भी खाते हैं, फ़ोन में घुस जाओ ठीक। चलो भाई पका लग गया रे बाबा। सो गाइस प्लेट एकदम खाली हो चुकी है, और भाई अभी हम लोग मस्त खा पी के एकदम निकलने वाले हैं गेट नंबर 1। इधर भाई अंकल जी की शॉप डंपी मोमोज, डंपी मेरे मुंह से गलत निकल गया भाई, क्योंकि एक डंपी मोमोज ही है, तो भाई डंपी मोमोज नहीं ड्रैगन मोमोज, टेस्ट काफ़ी अच्छा था, तो आप लोग आके भाई यहाँ पे खा सकते हैं गेट नंबर 1 के जस्ट बाहर।
अंकल जी की बढ़िया था भाई, एकदम मस्त बढ़िया था। मेरे मुंह से एक बार गलत निकल गया ना, डंपी मोमोज, वो डंपी नहीं ड्रैगन मोमोज। क्या बोला तुमने, डंपिंग मोमोज? मैंने वहां पे बोल दिया था भाई, एक बार पीछे वो ड्रैगन मोमोज था। ठीक है, अरे यार, तो भाई जो लोग स्पाइसी खाते हैं तो जरूर आइए।